ये बोल रही है कि भाई तेरा टेनर का सीट आया तो मुझे टेनर का राइड चाहिए, तो इसके लिए अभी इसको राइड देनी है। थोड़ा चला दे आराम आराम से, उसके बाद दे थोड़ा तनु का मजा, देखते भाई डरते कि नहीं डरते। बाइक तो चला दी है वो, अब देखते पता चलेगा। मैं पीछे बैठू ऐसा बोल रही हूँ। इसका देखो, इसका पैर देखो कैसा, देखो भाई देखो भाई टच कर, देखो ऐसा भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, नया दिन नया व्लॉग। तो आज भी हम लोग जा रहे हैं राइड पे, लेकिन राइड थोड़ी सी अलग होगी क्योंकि हम लोग लॉन्ग राइड पे नहीं जा रहे थे और जैकेट विकेट कोई भी नहीं है, एकदम नॉर्मल निकला यहाँ पे एकदम, मतलब नज़दीकी जा राइड होगी मतलब 10-15 किलोमीटर ऐसे। और राइड क्यों हो रही है ना, एकदम स्पेशली भाई रीज़न है भाई, देखो ये रीज़न है इसके लिए। तो मैं ना अच्छा खासा घर पे सोया था तो इसने मुझे जगा के लाया है, क्योंकि ये बोल रही है कि भाई तेरा टेनर का सीट आया तो मुझे टेनर का राइड चाहिए, तो इसके लिए अभी इसको राइड देनी है। तो भाई तनु को अपने को देनी है राइड आज। स्लो 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 नहीं, वो तो सुपर बाइक है, स्लो कैसे चलेगी। हाँ पहले दूसरे गियर पे ही चलेगी। सो अब भी निकालते हैं ZX टेनर, काफ़ी दिनों के बाद देखो यहाँ पे लगी है जो कि थोड़ी सी गंदी हो चुकी है, लेकिन भाई गंदी हुई है ना, चलने में तो कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है। उसके साथ इसमें हम लोग ने लगाया कुछ यार तोफ लगाया, रुको दिखाता हूँ आपको मैं। इसमें लगाया है SC प्रोजेक्ट एग्जॉस्ट। सो भाई ये काफ़ी ज़्यादा लाउड है तो मज़ा आएगा। और ये रही सीट, यहाँ पे रखी है उस सीट लगाते पहले, फिर निकलते यहाँ से राइड पे। तनु जी रेडी हो? तो मज़ा आने वाला आज। सो ऑल सेट, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो पहले करते हैं कोल स्टार्ट, काफ़ी दिनों के बाद इसको कोल स्टार्ट करोगे। गाड़ी की हालत देखो यार, गंदी पड़ी है एकदम, तो क्योंकि तो वॉश वाला भी मिल जाएगा तो वॉश भी हम लोग कर लेंगे, हवा भी इसमें कम ज़्यादा रहेगा तो वो भी कर देंगे। सर्विस का अभी तक सिंबल दिखा, लेकिन सर्विस इसको कर लिया हम लोग ने, लेकिन वो जाना है वो निकालने के लिए मुझे, लेकिन सुनो भाई लाउड तो काफ़ी तेज है। अच्छा अच्छा ZX टेनर में पहली बार ले रहा हूँ डबल सीट आज, बैठ जाओ मजा लो आज राइड का, आराम से चलाएंगे। पहले दूसरे गियर पे, पहले दूसरा गियर या ज़्यादा ना, तीन चौदह नहीं तीन ही तीन गियर बैठो। भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा चला दे आराम आराम से, उसके बाद दे थोड़ा तनु का मजा, देखते भाई डरते कि नहीं डरते। बाइक तो चला दी है वो, अब देखते पता चलेगा। तनुजी बोल रहे हैं काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो मजा आ रहा है और बजाओ, तो बोल रहे और बजा दे। तो अच्छा का था, मैं सो रहा था घर पे, भाई उड़ा के लाया मुझे कि चल मुझे राइड दे करके, तो अभी राइड देते हैं अपने ZX टेनर की। अभी तो अच्छा खासा भगाने वाला रोड भी नहीं मिला, इसके आगे मिलेगा, यहाँ से आगे टोल नाका है, टोल नाका का अपने को अच्छा खासा रोड मिलने वाला है, तो वहाँ पे और थोड़ा मजा आएगा।
इतने सारे पुलिस वाले थे मैं तो बोला आज भाई वीडियो के चक्कर में अपनी बैंड बजने वाली है, भाई बोला तनु को राइड देने के चक्कर में गया आज मैं। ऐसे वैसे हम लोग ने क्लच दबा के भाई निकले, तो अभी ये रोड थोड़ा सा मिलेगा, गाड़ियां देखो भगाने नहीं मिलेगा दादा, लेकिन मजा आएगा। ट्रैफिक है निकल गई, तनु जी डर गई है, काफी ज्यादा डर गई है भाई क्या हुआ, बस हो गया तो दो दिन में काफी ज्यादा क्लोज कॉल हो गए हैं, तो उसके वजह से वो डर गई है काफी ज्यादा तो हम लोग रुक जाते हैं तो भाई दो तीन इतने क्लोज को आ गया खतरनाक, तो पूछते हैं क्या हुआ, क्या सीन क्या हुआ क्या हुआ, अब वो बोल रहे कि और नहीं आएगी आगे, तो यहाँ से जाएगी कैसे, कैब से, कैब से जाएगी घर पे अरे भाई उसकी हालत देखो डर लग रहा है, हाउ चलो, अरे धीरे मतलब और कितना धीरे, मैंने तो बोला था एक दो या तीन ही गेयर डालेगा, चौथा नहीं डालेगा, चौथा डाला ही नहीं मैंने, पानी पाई जी तो मैंने तो पहले ही बोला था तुझे राइड चाहिए थी, तू ही तो बोली सीट लगाई है, राइड दे देते राइड एक काम करती, मैं तेरे को बता दी कैसा लगता है पीछे, मैं पीछे बैठू ऐसे बोल रही हो भाई, वो हमसे ना हो पाएगा नहीं नहीं भाई ये तो मुश्किल है, मैं पीछे नहीं बैठूंगा, नहीं नहीं भाई मैं पहले बहुत डरता हूँ लेकिन मैं पीछे नहीं बैठूंगा, नहीं 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 भाई वो इच्छा नहीं माजी अभी वो देखो बोल रही है ना कि मैं पीछे बैठ जाऊँ उसके वो बोल रही है कि डर क्या होता है ना, मैं दिखाने जाती हूँ मैं पीछे नहीं चाहिए, तो बाइक चला लो मैं नहीं पीछे बैठूंगा, हाँ ले लो बाइक ले लो, नहीं भाई
एक तो मैं भाई लड़की के पीछे बैठा नहीं, तो लड़की है। सो काफी सारी बातें की हम लोग ने बाइक पे बैठने के लिए, तो भाई फाइनली हम ही चला रहे हैं, क्योंकि हमने पीछे बैठने को भी ट्राई किया लेकिन भाई तनु जी का बेल्ट टच नहीं हो रहा। ऐसा ऐसा देखो ऐसा रहता है, ऐसा तो अगर मैं चढ़ गया ना, मेरा वेट भी ज्यादा 85 किलो से ऊपर, 85-86 किलो मेरा वेट है, तो वह 100% डायरेक्ट 3-3-6 हो जाएगा उससे जब हम लोग चल। हाँ बदला पूरा हो जाएगा बोल रही है, खड़ी गिरा गया बस। सो उसमें एक डील हो गया कि तनु जी को अपने को देने का इसका एक राउंड, तो एक राउंड चलेगा लेकिन पीछे बैठना नहीं चलेगा भाई। सो अभी हमने बाइक दी है तनु जी को चलाने के लिए लेकिन हम पीछे बैठने वाले नहीं है। मैंने बैठने वाला है पीछे, तो हम लोग किसको तो रुकाएंगे। इसका देखो, इसका पैर देखो कैसा, देखो भाई देखो पैटस कर, देखो ऐसा भाई ये डरा रही है मेरे को अभी से ही। तो अभी चला रही है और मेरे को, तो हम लोग बैठ गए भाई दूसरे की गाड़ी पे। थोड़ा भी रिस्क नहीं लेने का। चला तो रही है लेकिन डबल सीट बैठने के लिए तकलीफ था, क्योंकि अगर मेरा वेट ना ज्यादा है उसके वजह से बाइक ज्यादा एक्साइट, तो उसके हिसाब से तो ये अच्छा है। बाय बाय, थैंक यू सो मच। तनु भी रुकी है पीछे, तो कैसे लगा मजा आया? स्टैंड लगाना है, देखो ये सब तकलीफ है, तकलीफ। और चलाओ बाइक, और चलाओ। कैसे चलती है? नहीं चलानी है, क्या है? ये चलाने को भी डर लग गया? नहीं नहीं, फिर डर नहीं लगा, लेकिन पावर है भाई। छूट रहा था सिर्फ, पहुंच हो रहा था। हाँ फास्ट है, बहुत फास्ट है, लेकिन 650 से फास्ट नहीं होगा। लगा BM से भी फास्ट लगा मुझे। फास्ट है क्या? इनिशियल। क्या बात है। तो भाई ये आरो ना BM लवर दी, आज ZX10R का जलवा देख लिया, तो ये होती है भाई ZX10R की पावर। सो तनु जी ने राउंड ले लिया है, देखो पैर पड़ रही है। तो क्या हुआ, बाइक खरीदोगे, टेनआर खरीदोगे? एग्रेसिव है ये यार, मजा आ गया। कितना फर्क है 650 से और टेनआर में, कितना फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा। 650 से नहीं कंपेयर कर सकते, लेकिन BM से इनिशियल बहुत ज़्यादा पावर है, फ्री फ्लो है ना, पावर है। फ्री फ्लो भी है काफ़ी सारा, हम लोग ने लोड भी किया है इसको, तो ये तो तेज है। देखो भाई एग्जॉस्ट की हालत ये है, तो आप सोचते रहोगे गाड़ी क्या हीट होता है, खतरनाक वाला हीट होता है वो पेड़ पड़े एग्जॉस्ट का। तो कितना गियर डाला, एक ही गियर डाला था? गियर लेकिन चला लिया, अच्छा करा चला लिया। तो प्रैक्टिस चाहिए थोड़ा सा और, उसके बाद हजार से चला ले। एक्चुअली उसका कॉन्फिडेंस डाउन किस लिए है, उसके हाइट के वजह से, क्योंकि उसका पैर टच नहीं होता। अगर उसको थोड़ा सा डाउन कर देगा ना तो हो जाएगा प्रॉपर हिल बैंक के, लेकिन चलाने होगा नहीं। राइडिंग बूट्स रहेगा, राइडिंग बूट्स उससे हो सकता है, राइडिंग बूट चाहिए, तो राइडिंग बूट से थोड़ा सा हाइट को उसको प्रॉपर हो जाएगा। तो अगली बार हम लोग कभी राइड को जाएंगे तो उसको देंगे थोड़ा सा लंबा चलाने के लिए, मतलब थोड़ा लंबा रोड पे चलाएगी वो चीज़ें ऐसा कुछ, तो उसके बाद थोड़ा उसका भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा। हाँ तो फिलहाल तो यहाँ से निकलते, मजा आया। स्लो जाते हैं, स्लो जाते अभी थोड़ा भगा देना और